केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली आने पर अड़ गए हैं। पंजाब हरियाणा और हरियाणा दिल्ली की सीमाओं पर इन किसानों का पुलिस से सामना हो रहा है। सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें देखी गई। दोनों ही जगह पुलिस को भीड़ हटाने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालांकि राशन पानी लेकर आए किसानों के हौसले कम नहीं हुए। पुलिस के अनुसार दोनों राज्यों के लगभग 3 लाख किसान दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार हैं। ये किसान 33 संगठनों से जुड़े हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हैं, जो 470 से अधिक किसान यूनियनों का अखिल भारतीय निकाय है। यह सभी राष्ट्रीय राजधानी में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि अभी पिछले दिनों हाल ही में पारित 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ यह किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के इस सख्त रवैये को देखते हुए केंद्र सरकार ने आखिर किसानों को दिल्ली में आने की अनुमति दे दी है। अब ये किसान यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों के वापस लिए जाने की मांग रखेंगे।